हेलो गाइस, हेलो, नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। ये कोई फिल्म से रिलेटेड अपडेट नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना सोशल मीडिया के पावर की। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, यूट्यूब पे एक पेज है, स्वाद ऑफिशियल करके, गौरव वासन उसके ऑनर हैं और वो एक फूड ब्लॉगर हैं। उन्होंने एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, मालवीय नगर में एक छोटी सी दुकान थी एक बूढ़े अंकल आंटी की, जहाँ पे वो बहुत अच्छा खाना बनाते, रोटी दाल चावल पनीर मटर पनीर ये सारा कुछ। लेकिन क्या होता है ना, अक्सर हम लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा सजावट हो, मतलब हाई फाई दिखने में, मतलब दिखने में कैसा भी हो, मतलब दिखने में बस अच्छा हो, खाना कैसा भी हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती, उतना जगह नहीं होता, उस तरीके का उनका सर्विस नहीं होता, जिस कारण से उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। उनका दुकान अगर नज़र के सामने आपके आ भी जाए, हमारे आ भी जाए, तो हम इग्नोर कर देते हैं, अरे यार यहाँ कौन खाएगा। तो ये जो अंकल आंटी हैं उनकी एज लगभग 80 साल के आसपास है। तो भाई ने एक वीडियो अपलोड किया और उनके बारे में बताया, उनके खाने के बारे में बताया, और बिल्कुल सस्ता खाना था, दाल 30 रुपये का हाफ प्लेट, रोटी 5 रुपये, मटर पनीर काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा। तो लोग वहाँ पे जा नहीं रहते और उनकी जो पूंजी लगती थी ना, जो खाना बनाने में इन्वेस्ट करते थे वो भी नहीं निकलता था। जब उन्होंने पूछा गौरव भाई ने, तो उन्होंने कुछ पैसे निकाल के दिए, वो उनके दिन भर की इनकम थी लगभग कितना, 150 या 200 रुपये रहा होगा। तो आप सोचो कि किस तरीके का उनका हाल था। वो वीडियो वायरल हुआ और अगर आप गौरव वासन भाई के पेज पे जाके देखो इंस्टाग्राम पे, तो अभी 7.5 प्लस मिलियन व्यूज है उस पे, मतलब उतने लोगों ने देखा, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स सेलिब्रिटी लोगों ने उसको शेयर किया है, आशीष चंचलानी, कबीर दुहान सिंह, इन सभी लोगों ने शेयर किया और उसका असर ये हुआ, मैंने भी शेयर किया था कल, और उसका असर ये हुआ कि आज मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है उनके दुकान पे। मतलब आज वो मतलब सक्षम नहीं है सभी को खाना दे पाने में, मतलब इस तरीके का कंडीशन हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है और सोशल मीडिया का पावर जिसको बोलते हैं ना। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि कभी भी आप बाहर जाओ ना, कुछ ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको छोटा दुकान दिखे या कुछ ऐसे लोग दिखे, जैसे कोई भी सब्जी बेचने वाले लोग हो गए, तो ये लोग ना कोई अपना मकान बनाने के लिए, कोई ऐसा गाड़ी खरीदने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ये लोग इसके लिए नहीं कमाते। ये लोग अपनी रोटी अपना पेट चलाने के लिए कमाते हैं, चार पैसे आए जिससे घर का गुजारा हो। तो इन लोग का मोटिव बस इतना ही रहता है। हम लोग जब भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, पिज़्ज़ा खाने गए, तो अगर 285 का पिज़्ज़ा हुआ तो 15 रुपये चेंज रख लो, 20 रुपये जो भी चेंज रख लो। लेकिन जब सब्जियां लेने जाते हैं तो नहीं 2 रुपये कम कर दो, 5 रुपये कम कर दो, धनिया फ्री में दे दो, मिर्च फ्री में दे दो, तो ये दे दो वो दे दो, ये नेचर है हम लोगों का। तो जब तक हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और कितना भी आप कुछ भी बोल लो कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज कैसे आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू गौरव भाई, आपने इस तरीके का वीडियो बनाया और आज लोगों तक पहुंचा, इतने लाखों लोगों तक। और उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग जा रहे हैं उनके दुकान पे, मालवीय नगर में उनका दुकान है, तो इसका मैं एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप दिल्ली से हैं, मालवीय नगर के आसपास हैं, अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। और आपको कुछ पैसा नहीं देना है, आपको बस खाना खाना है और जो उसका अमाउंट है पे करिए, बस यही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये खबर और कुछ हेल्प हो सके उनकी। तो बस मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।